हे एवरी वन, दिस इज़ मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल वायन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पिग्मेलियन बाय जी बी शॉ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो टॉपिक है पिग्मेलियन, इसको लिखा है जी बी शॉ ने। जी बी शॉ जो है वो एक नॉवलिस्ट हैं जिनको जो है वो नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है, साथ में ऑस्कर भी मिला है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो प्ले है, तो चलिए इस प्ले को शुरू करते हैं। टू ओल्ड जेंटलमैन मीट इन द रेन वन नाइट एट कोवेंट गार्डन। यानी कि एक कोवेंट गार्डन नाम का जगह था, रात का समय था, बारिश हो रही थी, वहाँ पे टू ओल्ड जेंटलमैन जो थे वो एक दूसरे से मिले। प्रोफेसर हिगिंस इज अ साइंटिस्ट ऑफ फोनेटिक्स एंड पिकरिंग इज अ लिंग्विस्टिक ऑफ इंडियन डायलेक्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, एक का नाम है प्रोफेसर हिगिंस और एक है हमारे पिकरिंग्स। ये दोनों जो हैं वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज के ऊपर वर्क करते हैं, एक फोनेटिक्स के ऊपर। यानी कि फोनेटिक्स का मतलब होता है कोई भी इंसान आपके बोलने के अंदाज से ही पता कर लेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक्सेंट से वो पता कर लेगा कि कौन से इंसान का एक्सेंट जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। अगर हम बहुत ऊंचा बोल रहे हैं तो हम लोग जो है वो थोड़े बैकवर्ड टाइप के हैं, या हम लोग बहुत शांत तरीके से बोल रहे हैं तो हम लोग अच्छे परिवार से हैं। तो जैसे इस तरीके से जो है वो हिगिंस जो है वो जज कर लेते थे लोगों को, और वो बिल्कुल सही अंदाज मारते थे। और कहीं ना कहीं जो पिकरिंग है वो भी एक इंडियन इसी चीज़ पर लैंग्विस्टिक पर ही वर्क करते थे, और उन दोनों का प्रोफेशन जो था वो सेम ही था। बट ये दोनों अनजान थे, ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, ये उसी रेन वाली नाइट में दोनों मिले थे। वहाँ पे खाली ये दोनों ही नहीं, वहाँ पे तीन पर्सनालिटी और भी थी। तो अभी फ़िलहाल उसका हम जज नहीं करेंगे, उसके डिस्कस नहीं करेंगे, फ़िलहाल जो लिखा है उसी को पढ़ते हैं। द फर्स्ट बैट द अदर डैट ही कैन विद हिज नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स कन्वेंस हाई लंडन सोसाइटी डैट इन अ मैनर ऑफ मंथ ही विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द कॉकनी स्पीकिंग कॉवेंट गार्डन फ्लावर गर्ल। अब क्या होता है, वहाँ पे जब रात हुई होती है तो रात के समय फूल बेचने वाली एक लड़की आती है और फ्लावर्स बेचती है वहाँ पे। तो हर कोई जो है उससे फ्लावर्स खरीद रहा होता है, तो वहीं पे जो हमारे पिकरिंग है वो भी उससे फ्लावर खरीद रहे होते हैं। हिगिंस जो हैं वो काफ़ी दूर बैठे रहते हैं और उस फ्लावर वाली को ऑब्जर्व करते हैं, और हिगिंस अचानक आते हैं और कहते हैं फ्लावर वाली को कि तुम जो है वो ऐसे ऐसे जगह से बिलोंग करती हो। फिर वो पिकरिंग को भी कहते हैं आप इस जगह से बिलोंग करते हैं। तो सभी लोग जो है वो आश्चर्यचकित में आ जाते हैं कि ये जानता कैसे है कि हम लोग यहाँ यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो फिर उससे सब पूछने लग जाते हैं, क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फ्लावर बेचने वाली होती है वो डर जाती है कि कहीं ये पुलिस वाला तो नहीं है, क्योंकि इसने मुझे इतना ऑब्जर्व किया है। तो वो डर के बोलती है साहब मैंने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया, मैं तो सिर्फ फ्लावर्स बेच रही थी। उसके बाद लेकिन वहीं पे जो पिकरिंग है वो काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि दोनों का प्रोफेशन सेम ही था। तो पिकरिंग बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है कि मतलब ऐसे कैसे इसको पता चला। तो पिकरिंग उससे पूछता है कि आपको कैसे पता चला। तो फिर उसके बाद जो जेंटलमैन है वो बताता है, प्रोफेसर हिगिंस जो है बताता है कि मैं ये वर्क करता हूँ और मेरा काम ही है लोगों को सुधारना। जैसे कि अब इस फ्लावर वाली को ही देख लो, कितनी बदतमीज तरीके से बात करती है, ये बहुत नीचे लोअर क्लास से बिलोंग करती है, इसको कोई भी अच्छे फ्लावर शॉप में काम नहीं मिलेगा, इसीलिए फूल सड़कों पे बेच रही है। मैं चाहूँ तो इसको एक रातों रात डचेस बना सकता हूँ, मैं रातों रात उसको महीनों के अंदर जो है वो डचेस की तरह, रानी की तरह, राजकुमारी की तरह बोलना सिखा सकता हूँ। इस तरीके से उसने जो है वो गारंटी ले ली उसकी। अब दोनों के अंदर शर्त लग गई, ठीक है अगर ये बात है तो इसको जो है वो सिखाओ। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा प्ले इसी पर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से जो है उसको डचेस की तरह बोलना सिखाता है, और किस तरीके से जो है वो एक महीने के अंदर से दो महीने के अंदर सीख भी जाती है एक राजकुमारी की तरह बोलना। आगे जो है अब दोनों के अंदर बहुत अच्छी मुलाकात हो चुकी होती है हिगिंस की और पिकरिंग की, दोनों एक ही सेम प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगले मॉर्निंग जब ये सब चीज़ें सुन चुकी होती है वही लड़की फूल वाली, तो वो इंटरेस्टेड हो जाती है कि सही बात है अगर मैं बहुत अच्छा बोलना सीख जाऊँगी तो मुझे अच्छे फ्लावर शॉप में काम मिलेगा, मुझे सड़कों पर फ्लावर्स जो है वो नहीं बेचना पड़ेगा। The next morning, the girl appear at his laboratory on Wimpole Street to ask for speech lesson, offering to pay a shilling so that she may speak properly enough to work in a flower shop. अब वो लड़की आती है सुबह, तो उसकी जो मेड होती है, मतलब जो हमारे प्रोफेसर हिगिंग होते हैं जो सिखाते हैं, उसकी जो मेड होती है वो आती है, कहती है देखिए बाहर जो है वो कोई लड़की आपसे मिलने आई है,
मतलब लैंग्वेज तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपसे मिलना चाहती है। तो वो कहता है अरे अरे बुलाओ उसको जल्दी से, क्योंकि मेरे लिए तो अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग मुझे बहुत पसंद है, इसी से मैं जो है वो एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो वो लड़की आती है, तो जब उसको हिगिन देखता है तो कहता है अरे तुम तो वही फ्लावर वाली गर्ल हो जो कल रात को मेरे से मिली थी। तो ये देख करके वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है लेकिन तुम्हारा यहाँ पे क्या कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारा जो बोलने का तरीका है, लहजा है, उसको जो है वो ऑलरेडी नोट कर लिया है, तो मुझे पता है कि तुम किस तरीके से बात करती हो, तो तुम जाओ। लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, मुझे जो है वो आपने बोला था कल रात को कि डचिस की तरह आप मुझे बोलना सिखाएंगे, तो मुझे सिखाइए, मैं उसकी तरह बोलना सीख जाऊंगी तो मुझे अच्छे फ्लावर शॉप में काम मिलेगा, और फ्री में नहीं, मैं आपको उसके बदले जो है वो पे करूंगी, यानी कि आपको पैसे दूंगी। ये सुन के जो है वो हिगिन हंसने लग जाता है, वो कहता है तुम मुझे पैसे दोगी, तुम्हारी मतलब क्या हैसियत है, मतलब उसके बोलने का ये था कि तुम एक फूल बेचने वाली हो, तुम अपने कपड़े देखो, बोलने का तरीका देखो, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ तुम मुझे पैसे दोगी, तो ये बोलना उसका मतलब एक मकसद था बोलने का। तो मजाक बनाने लगता है, हिगिन्स मेक्स फन फॉर हर, मतलब उसके ऊपर हंसी मजाक उड़ाने लगता है, बट इज़ सूडेड बाय द आइडिया ऑफ वर्किंग हिज मैजिक ऑन हर। लेकिन फिर उसको अचानक से जो है वो पिकरिंग जो है वो कहता है कि चलो साइड में ले जा करके इस पर वर्क करो, इसको सुधारो, दिखाओ मुझे, शर्त लगी थी ऐसे ही, मैंने बताया ही आपको स्टार्टिंग में कि इन दोनों के बीच में यही शर्त लगती है कि जो फ्लावर है जिसका नाम गर्ल का नाम है एलिजा डूलिटल, इसको जो है वो सिखाना है बोलना, ठीक है। अब क्या होता है, पिकरिंग गुड्स हिम ऑन बाय एग्रींग टू कवर द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इफ़ हिगिन्स कैन पास एलिजा ऑफ एज अ डचेस एट एन एम्बेसडर गार्डन पार्टी। अब एम्बेसडर होते हैं, उसकी पार्टी आने वाली होती है, तो पिकरिंग जो है वो हिगिन्स को कहता है कि आप इसको सिखाइए, एक महीने बाद जो है वो एम्बेसडर की पार्टी है, उसमें हम इसको ले जाएंगे, वहाँ पे ये डचेस की तरह बोलने में अगर सक्षम रही तो इसका मतलब आप जो ये बैट जीत जाएंगे, और इसके बदले जितने भी पैसे होंगे मैं आपको पे करूँगा। तो इसको एक चैलेंज की तरह ले लेता है, कहता है ठीक है, द चैलेंज इज टेकन एंड हिगिन्स स्टार्ट्स By having his shopkeeper bath Eliza and his give her new clothes। अब क्या होता है, चैलेंज तो शुरू हो गया, ले लिया, तो वो कहते हैं पहले तो इसका जो हुलिया है उसको बदलो, इसके जो है वो ड्रेस को चेंज करो, देखने में ये बहुत अजीब लग रही है, तो इसको साफ़ सुथरे कपड़े पहनाओ। तो उसकी जो मेड है वो उसको बोलता है उसको नहलाओ, अपनी बेटी की तरह ट्रीट करो और इसको न्यू क्लोथ्स दो। स्टार्टिंग में बहुत ऑकवर्ड लगता है एलिजा डूलिटल को, लेकिन वो सीखना चाहती थी तो वो सीखने के लिए उसके साथ मेड के साथ चली जाती है। पहले तो वो मना भी कर देती है उसके कपड़े लेने से, लेकिन फिर भी वो बाद में एग्री हो करके रेडी हो जाती है। देन एलिजाज फादर अल्फ्रेड डूलिटल कम्स टू डिमांड द रिटर्न ऑफ हिज डॉटर दो हिज रियल इंटेंशन इज टू हिट हिगिन्स अप फॉर सम मनी। अब एलिजा के जो फादर हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि एलिजा तो कहती है कि मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है, मैं अकेली हूँ, लेकिन अब जो है वो एलिजा के फादर आ चुके हैं और कहते हैं मेरी बेटी को वापस करो, मेरी बेटी यहाँ पे आई है, मुझे जो है वो टैक्सी ड्राइवर ने बताया है कि वो यहाँ आई है, तो मेरी बेटी को मुझे रिटर्न करो। लेकिन उसका रियल परसेप्शन ये नहीं होता कि उसकी बेटी को वो वापस करे, उसका रियल परसेप्शन होता है कि मुझे अपनी बेटी के बदले तुम कुछ पैसे दे दो और मेरी बेटी को तुम रख लो। कहीं ना कहीं जो उसके फादर हैं वो पीने टाइप के होते हैं, यानी कि ड्रिंक करना, अल्कोहल लेना वो ज़्यादा करते हैं, तो उसको बस उतने ही पैसे चाहिए थे जितने में उसका अल्कोहल आ जाए, तो इसीलिए उसने जो है वो उससे मनी मांगी। उसने कहा द प्रोफेसर अब्यूज्ड बाय डूलिटल, पहले तो उस प्रोफेसर ने कहा ठीक है ले जाओ अपनी बेटी को, लेकिन जब उसको पता चल गया कि वो बेचने ही आया है एक तरीके से, तो उसने कहा ठीक है जब आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए, और 5 pounds में जो है उसका फादर ने अपनी बेटी को वहाँ छोड़ करके चला गया। ऑन हिज वे आउट, क्योंकि अब एलिजा तो ड्रेस चेंज करने ऊपर चली गई थी उससे उसके पापा के आने से पहले, तो ड्रेस चेंज करके साफ़ सुथरी होकर जब वो नीचे आई तो अपने पापा से टकरा गई, यानी कि उनकी बॉडी जो है कहीं ना कहीं जल्दबाजी में जब कोई इंसान जाता है तो टक्कर नहीं हो जाता है, उसी टाइप का हो गया। तो उसके जो फादर ने उसको कहा सॉरी मिस, और ये कह के चला गया, यानी कि उसके फादर ने भी उसको नहीं पहचाना सिर्फ और सिर्फ हुलिया बदलने से। लेकिन रही बात हुलिया की, तो हुलिया से तो किसी का भी करैक्टर चेंज नहीं हो जाता, मेन मकसद तो उसका लैंग्वेज एक्सेंट चेंज करना था। सो प्रीटी हो गई थी वो फ्लावर गर्ल एज हिज डॉटर, तो वो पहचान नहीं पाया। सो यहाँ तक क्लियर हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। फॉर ए नंबर ऑफ मंथ्स हिगिन्स ट्रेन्स एलिजा टू स्पीक प्रॉपरली, मतलब बहुत महीनों तक हिगिन्स ने जो है वो एलिजा को सिखाया प्रॉपर तरीके से बोलना। टू ट्रायल्स फॉर एलिजा फॉलो, अब एलिजा की बारी थी ट्रायल देने की, यानी कि कहीं पे भी एक तरीके का डेमो हो जाए उसका। द फर्स्ट अकर एट हिगिन्स मदर होम वेयर एलिजा इज इंट्रोड्यूस टू द
Aynesford Hills, a trio of mother, daughter and son. अब मैंने आपको कहा था कि उस बारिश में प्रोफेसर हिगिंस और एक जो और जेंटलमैन थे पिकरिंग, उन दोनों के अलावा और भी लोग थे. वो लोग कौन थे? यही हिल, मिसेस हिल, उसकी एक बेटी डॉटर और उसका सन जिसका नाम था फ्रेडी. लेकिन ये जो तीन लोग थे, इन्होंने इस फूल वाली को देखा, लेकिन ये जो मदर डॉटर थी, इन लोगों ने खाली एक फूल ख़रीदा था उससे, वो भी इस मायने पे ख़रीदा था क्योंकि उसने जो है फ्रेडी को, यानी कि उसके बेटे को कहा था, अरे फ्रेडी तुम यहाँ? तो उस पर उसकी मम्मी और उसकी जो सिस्टर थी वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई कि ये उसको कैसे जानती है, क्या रिश्ता है इन दोनों का. तो उसने कहा कि तुम बताओ मेरे बेटे को तुम कैसे जानती हो. तो उसने कहा आप मेरे से फ्लावर खरीदिए, मैं तभी आपको बताऊंगी कि मैं आपके बेटे को कैसे जानती हूँ. तो उसने कहा ठीक है मैं फ्लावर खरीद लेती हूँ. तो फ्लावर ख़रीदा. उसके बाद वो कहती है मैं तो हर अनजान आदमी को फ्रेडी कहकर ही बुलाती हूँ, और अब ये फ्रेडी ही निकले तो उसमें मेरी क्या गलती. और ये कह करके इतनी छोटी सी कॉन्वर्सेशन उस तीन लोगों में वहाँ पे होती है. इसीलिए इसका जिक्र मैंने अभी यहाँ पे किया क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन भी अब आ गया है. तो फर्स्ट ट्रायो होता है उसका, ट्रायल होता है उसका इन तीन ट्रायो के साथ, मिसेस हिगिंसफोर्ड हिल, उसकी डॉटर और सन से. ठीक है, अब वहाँ पे जो है वो बड़े सुंदर कपड़े पहन के आती है. तो हिगिंस अपनी मम्मी को कहता है, हालांकि हिगिंस अपनी मदर के साथ नहीं रहता, मदर जो है वो उससे दूर रहती है क्योंकि हिगिंस और उसकी मदर में भी कहीं ना कहीं अनबन चल रही है. तो जब वो अपनी मम्मी के पास आता है तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए. हालांकि हर एक माँ कहती है अरे बेटा आए हो तो बैठो, लेकिन उसकी मम्मी का कहना था तुम यहाँ आए क्यों हो. तो उसने कहा कि देखो मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मुझे एक ट्रायल करना है, एक लड़की मिली है. तो उसकी मम्मी कहती है क्या शादी के लिए? कहते नहीं नहीं बस एक ट्रायल है, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, फ्लावर बेचने वाली है और उसके एक्सेंट पे मैंने वर्क किया है. तो अगर आज आपके यहाँ पे गेस्ट आ रहे हैं तो हम उसके बीच में उसको बिठाएंगे और देखेंगे वो किस तरीके से बातचीत करती है. तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है बिठाओ देखते हैं. तो उसकी मम्मी जो है वो उस तीन के बीच में जो है वो लड़की बैठ जाती है, उसकी मम्मी और इनिसफ्रीड हिल और उसकी डॉटर और फ्रेडी यानी उसका बेटा. द सन फ्रेडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू हर. अब जो फ्रेडी है उसको वो बहुत पसंद आ जाती है क्योंकि वो अब बोलती भी अच्छा है जब इतने मंथ उस पर वर्क हुआ है. तो साथ में वो देखने में भी खूबसूरत है क्योंकि उसके ड्रेसेस जो है वो अफोर्ड जो है वो कर रहा है. अब है एंड फर्दर टेकन विद वट ही थिंक्स इज हर अफेक्टेड स्मॉल टॉक व्हेन शी स्लिप इनटू कॉकनी. अब वो काफ़ी अच्छा बातचीत कर रही थी लेकिन धीरे धीरे उसने जो है वो अपनी लैंग्वेज जो है वो बोलना शुरू कर दिया. मतलब कहीं ना कहीं 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 पे वो अपनी बैकवर्ड लैंग्वेज जो है वो बोलना शुरू कर रही थी. तो वो वहाँ पे उसको जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देती. तो मिसेस हिगिंस जो थी, यानी उसकी जो मम्मी थी हिगिंस की, वो वरी हो गई कि अब जो है उसके बेटे का जो एक्सपेरिमेंट जो है वो फेल हो जाएगा. लेकिन तुरंत में क्या होता है कि हिगिंस आ जाता है, पिकरिंग आ जाता है और उसको लेकर के वहाँ से चले जाते हैं कि चलो बहुत हो गया, अब हमको जो है चलना पड़ेगा. सेकेंड ट्रायल तो समझ गए वो, कहीं ना कहीं उसने अपनी मम्मी से पूछा तो उसकी मम्मी ने कहा कि थोड़ा थोड़ा अभी भी इसमें वर्क करना बाकी है. उसने कहा ठीक है. फिर कुछ दिन उस पर और वर्क हुआ. अब दूसरा ट्रायल आया विच टेक प्लेस सम मंथ लेटर, जो कि कुछ मंथ लेटर बाद, यानी कुछ मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद लिया गया. वो थी एम्बेसडर पार्टी, जिसके लिए शर्त ही लगी थी कि इस पार्टी में ये किस तरीके से बात करती है. इज़ अ रिसाउंडिंग सक्सेस. लेकिन वो किस तरीके से हुआ? सक्सेसफुली हुआ, यानी उसने सक्सेसफुली वो पार्टी जो है वो अटेंड की, अच्छे से उसने वहाँ पे पेश आई, अच्छा एक्सेंट्स बोला, कोई पहचान नहीं पाया कि ये फूल बेचने वाली है, सबको वो डचेस लगी, बहुत अच्छी राजकुमारी की तरह उसने बातचीत की. द वेगर इज़ डेफिनेटली वॉन. अब जो बेट था वो तो जीत गया है ना, जो लगा था उन दोनों के बीच में. बट हिगिंस एंड पिकरिंग आर नाउ बोर्ड विद द प्रोजेक्ट. अब इस प्रोजेक्ट पे काम करते करते दोनों बोर हो चुके थे. विच कॉजेज एलिजा टू बी हर्ट, क्योंकि अब ये जो कॉन्वर्सेशन था एलिजा ने सुन लिया कि ये जो उसको सिखा रहा था वो इसलिए नहीं सिखा रहा था कि वो उसकी लाइफ संवारना चाहता था, वो इसलिए सिखा रहा था ताकि वो ट्रायल में यानी कि एक बेट में जीत जाए. तो ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ कि मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं एक प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ, कि मुझे जो है वो इस तरीके से ट्रीट किया गया. तो अब क्या होता है, अब हिगिंस जो है उसको चप्पल्स नहीं मिल रही होती है, उसकी स्लीपर्स कहाँ हैं. तो एलिजा ने उसकी स्लीपर्स रखी होती है और जैसे हिगिंस एंटर करता है, शी थ्रो हिगिंस स्लीपर्स एट हिम इन अ रेज बिकॉज शी डज नॉट नो व्हाट इज़ टू बिकम ऑफ हर, देयर बाय बीवाइल्डरिंग हिम.
वो जोर से फेंक करके हिगिंस के ऊपर उसकी चप्पलें फेंकती हैं और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। उससे कहना मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ, तुमने मेरे साथ इस तरीके से बिहेव किया, मुझे लगा तुम एक अच्छे मैन हो, मेरी लाइफ बनाना चाहते हो, लेकिन तुमने तो मेरे ऊपर शर्त लगाया, तुमने तो मुझे एक ऑब्जेक्ट समझा, मुझे तो एक फीमेल एक लड़की की तरह ट्रीट किया ही नहीं। ही सजेस्ट, तो उसको वो कहता है तो कौन सी बड़ी बात है, मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी संवार दी, इतना अच्छा तुमको बना दिया, अब तुम एक अच्छा लड़का देखो, शादी करो, अपना झंझट ख़त्म करो, मतलब अब तो तुमसे कोई राजा महाराजा ही शादी करेगा, तुम इतनी खूबसूरत हो, साथ में तुम इतना अच्छा बोलने भी लगी हो। शी रिटर्न हिम अ हायर ज्वेलरी, उसने उसके सारी जितनी भी ज्वेलरीज थी उसको रिटर्न कर दी, क्योंकि वो एक ब्रांड एम्बेसडर की पार्टी से आई थी, तो जितनी भी हायर ज्वेलरी थी उसको वापस कर दी। और वो बहुत नाराज़ होकर के बिल्कुल, एक होता है थैंकफुल ग्रेटिट्यूड होकर के, पर उसने बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, इनग्रेटिट्यूड वे में जो है वो वहाँ से फिलहाल चली गई। द फॉलोइंग मॉर्निंग, यानी उसके अगले ही मॉर्निंग बाद हिगिंस रशेस टू हर मदर इन अ पैनिक बिकॉज एलिजा हैज़ रन अवे। अब हिगिंस अगले मॉर्निंग जब देखता है तो उसको जो है एलिजा डूलिटल कहीं नहीं मिल रही होती है। हिगिंस को लगता है अरे एलिजा तो भाग गई, तो वो क्या करता है अपनी मम्मी के पास जाता है, अपनी मदर को कहता है कि मम्मी मम्मी पुलिस को फ़ोन लगाओ, ये एलिजा कहाँ है, वो भाग गई। तो उसकी मम्मी कहती है अरे वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं थी, वो एक लड़की थी, उसका अधिकार है जहाँ जाना चाहती है वो जाए, उसे पुलिस को फ़ोन लगाने की क्या ज़रूरत है, उसका जीवन है, वो जैसे व्यतीत करे, चली गई तो चली गई। ऑन हिज ट्रायल इज एलिजाज फादर नाउ अनहैप्पी रिच फ्रॉम द ट्रस्ट ऑफ अ डिसाइजस मिलियनर हु टुक टू हर हार्ट हिगिंस रिकमेंडेशन दैट डूलिटल वॉज इंग्लैंड्स मोस्ट ओरिजिनल मॉरलिस्ट। अब क्या होता है, यहाँ पे एलिजा नहीं मिल रही होती और यहाँ फिर से उसका फादर आ जाता है। अब उसके फादर को ये नहीं पता होता कि उसकी डॉटर जो है वो मिल नहीं रही। उसका फादर कहता है कि यार तुमने मेरे लिए क्या मुसीबत खड़ी कर दी, उस दिन मैं तुम्हारे से 5 pounds लेकर के गया, और जब तुमने मतलब वहाँ पे उसने 5 pounds के साथ ये भी ऑफर किया था कि अगर तुम भी चाहो तो मैं तुम्हारी लैंग्वेज भी सुधार सकता हूँ, तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज सुधारने की। तो उसने क्या किया उसी चीज़ पे, जो हिगिंस है उसने क्या किया, ये अनाउंस कर दिया कि इंडिया इंग्लैंड का मोस्ट ओरिजिनल मोरलिस्टिक है, जिसपे जो वहाँ का मिलियनर था वहाँ का इंग्लैंड का, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो इसके नाम कर दी। अब इतने दिनों से तो ये भिखारी वाली ज़िंदगी जी रहा था, उसको वही सुख पसंद था, कोई इसको पूछता नहीं था, अपनी मर्जी से रहना, सोना खाना पीना जैसा करता था वो एडजस्ट। लेकिन अब इसके पास इतना सारा पैसा हो चुका है कि हर कोई दिन रात इससे उधार मांगने आता है, तो अब ये इस चीज़ से परेशान हो गया है। तो इसको गुस्सा इस बात का है कि हिगिंस ने ये अनाउंस क्यों किया, अगर हिगिंस ये अनाउंस नहीं करता तो मेरे नाम जो है वो इंग्लैंड का मिलियनर जो है अपनी प्रॉपर्टी नहीं करता, और मुझे इसने ही फालतू में इंग्लैंड का मोस्ट ओरिजिनल मॉरलिस्टिक घोषित कर दिया और मेरे नाम इतनी प्रॉपर्टी आ गई, अब कौन इसका देखभाल करे, अब मैं तो तंग आ चुका हूँ। तो ये बोल रहा था उसका फादर, उसका फादर को भी मतलब दुख था इस बात से। मिसेस हिगिंस हु हैव बीन हाइडिंग एलिजा अपस्टेयर ऑल अलॉन्ग चाइड्स द टू ऑफ। अब क्या होता है, मिसेस हिगिन यानी उसकी जो मदर होती है हिगिंस की, उसने एलिजा को हाइड करके यानी छुपा के रखा होता है। अब एलिजा आती है नीचे, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एलिजा आती है नीचे देम फॉर प्लेइंग विद द गर्ल्स अफेक्शन, और वो उसको कहती है कि तुम तो गर्ल्स के साथ खेलते हो, तुमको तो गर्ल्स की इमोशंस की कद्र ही नहीं है। When she enter, Eliza thanks Pickering for always treating her like a lady, but threaten Higgins that she will go work with his rival phonetician Nepomuk. अब देखो क्या बोलती है वो, जब वो नीचे आती है तो सबसे पहले बड़े प्यार से पिकरिंग को थैंक यू कहती है कि आपने मुझे हमेशा एक लेडी की तरह ट्रीट किया, एक जेंटलमैन है आप जिन्होंने मुझे एक इंसान समझा, ऑब्जेक्ट नहीं। और वहीं पे वो हिगिंस को कहती है आप खाली अपने फोनेटिशंस पे वर्क कीजिए, आपको बिल्कुल भी किसी की कद्र नहीं है। द आउटरेज्ड हिगिंस कैन नॉट हेल्प बट स्टार्ट टू एडमायर हर। अब वो उस पर अफसोस करता है, बोलता है कि सॉरी मैं अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब वो लेकिन अभी भी उसके अंदर ऐसा है कि वो अभी भी, क्योंकि वो जन्म सिद्ध से ही उसको मुझे लगता है ऐसा था कि वो स्टार्टिंग से लेडी को एक ऑब्जेक्ट ही समझता था, एक ये था एक प्रोजेक्ट है मुझे इस पर वर्क करना है, बस यही समझता था। तो दिल से वो अभी भी इतना ज़्यादा सॉरी फील तो नहीं कर रहा था। एज एलिजा लिव फॉर हर फादर्स वेडिंग हिगिंस शाउट आउट अ फ्यू रिटर्न फॉर हर टू रन अम्यूजिंग डैट शी विल रिटर्न टू हिम अ विम्पोल स्ट्रीट। अब देखिए
अब उसके जो फादर आए होते हैं वो वेडिंग करने वाले होते हैं, तो वो यही बोलते हैं अपनी वाइफ बेटी को कि मैं वेडिंग करने वाला हूँ तो तुम आना। तो उसकी बेटी ज़रूर कहती है ठीक है, तो वो अपने पापा को बोलती है मैं, अब वो वहाँ पे कहती है ठीक है मैं चलती हूँ आपके साथ आपकी वेडिंग में। तो वो अपने फादर के वेडिंग में जा रही होती है, फिर पीछे से जो है वो उसको हिगिंस आवाज़ लगाता है कि लौटते टाइम आप ये काम करते आना। अब वो कहती है कि मैं लौटूंगी नहीं अब यहाँ पे। एलिजा हु हैज़ अ लव लॉर्न स्वीट हार्ट इन फ्रेडी, क्योंकि अब उसका कहीं ना कहीं दिल जो है वो फ्रेडी पे आ चुका है, जो मिसेस इनिसफोर्ड का जो है वो बेटा था, जो मैंने बताया था बारिश के रात में तीन लोग थे, फिर उसके बाद उन्होंने ट्रायल जो उसका हुआ था उसमें भी उसने उसको वो अट्रैक्ट हो चुका था, तो इसके लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर था फ्रेडी के लिए हो चुका था। ये बात सुनकर के हिगिंस को बहुत गुस्सा आता है, कहता है मैंने तुम पर इतनी मेहनत की, तुमको डचेस की तरह बोलना सिखाया और तुम उस फ्रेडी से शादी करोगी। तो हिगिंस का मतलब था कि या तो तुम यहीं पे रहो मैं तुमको अडॉप्ट करके रखता हूँ, या तो फिर तुम पिकरिंग से ही शादी कर लो, पर पिकरिंग बहुत ओल्ड था तो उससे शादी कर नहीं सकती थी। तो उसका कहना था अब मैं तुम्हारी मजदूर बन के नहीं रहना चाहती हूँ। एंड वो वहाँ से क्या बोलती है, वहाँ से वो कहती है अब मेरी लाइफ है, मैं उसको जिस तरीके से व्यतीत करूं, वेदर शी विल रिटर्न और नॉट। अब पता नहीं, क्लियर नहीं है कि वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, और वो वहाँ से ही कहकर चली जाती है और हिगिंस जो है वो अकेला रह जाता है। अब जो फुल प्ले है, अब ये पिग्मेलियन ये नाम कहाँ से आया, अब देखिए यहाँ पे लिखा है पिग्मेलियन डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द फेमस स्टोरी इन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस स्टोरी इन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस इन विच पिग्मेलियन डिस्टिंग्विश्ड बाय द लूज एंड शेमलेस लाइफ ऑफ द वुमेन ऑफ हिज एरा डिसाइडेड टू लिव अलोन एंड अनमैरिड। तो ये क्या है, पिग्मेलियन एक वर्क था, एक नेम, बहुत फेमस वर्क स्टोरी थी। अब पिग्मेलियन जो है एक बहुत फेमस स्टोरी थी, बताते हैं उसमें एक मतलब था एक एशियंट लेजेंड, उसका नाम पिग्मेलियन था, ठीक है। उसको बिल्कुल भी विमेंस पसंद नहीं थी, उसका कहना था कि विमेंस में ऐसा कुछ खास है ही नहीं, कोई विमेंस उसके लिए बनी ही नहीं है जिससे वो शादी करे। तो उसने ऐसा डिसाइड किया था कि वो ज़िंदगी भर अकेला ही रहेगा, शादी नहीं करेगा। तो ये करते करते उसने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर सा आर्ट बनाया, है ना, कला मतलब बहुत सुंदर सा प्रोजेक्ट जैसा बनाया। वो एक ब्यूटीफुल स्टैचू था, उस पर दिन रात उसने वर्क किया और एक बहुत सुंदर सा मूर्ति बनाया, इतना परफेक्ट बना दिया उसके साथ रहना, खाना, उठना, बैठना, वो मूर्ति थी, लेकिन उससे उसको इतनी अटैचमेंट हो गई कि उससे उसको प्यार हो गया। द मोर ही लुक्स अपॉन हर द मोर डीपली ही फॉल्स इन लव विद हर, और उसके साथ वो प्यार में ही डूब गया। अनटिल ही विशेज डैट शी वर मोर देन अ स्टैचू, मतलब वो इतना ज़्यादा उससे प्यार करने लगा कि उस स्टैचू से ज़्यादा उसको समझने लगा, और उस स्टैचू का नाम था ग्लेटिया। लव सिक पिग्मेलियन, अब वो मतलब प्यार में घिरा पिग्मेलियन गोज टू द टेम्पल ऑफ गॉडस वीनस, वो गॉड वीनस के पास जाता है, प्रे करता है कि इसके अंदर जो है, स्टैचू के अंदर जो है वो जान ला दो, लाइफ डाल दो ब्रेन के अंदर, ताकि ये जीवित हो जाए, क्योंकि अब मुझे पसंद आ चुकी है, अब मुझे इसी के साथ रहना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। वैन पिग्मेलियन रिटर्न फ्रॉम वीनस टेम्पल एंड किसेज हिज स्टैचू, तो ठीक है फिर क्या होता है, जो वीनस है वो उसको दे देते हैं वरदान कि ठीक है वो जीवित हो जाएगी। तो वो वहाँ से रिटर्न आता है टेम्पल से पिग्मेलियन और किस करता है स्टैचू को। जैसे ही वो किस करता है स्टैचू को, तो वो जो स्टैचू है वो वार्म यानी गर्म होने लग जाती है, सॉफ्ट होने लग जाती है टच करने के बाद। एंड द मैदन लेफ्ट द किसेज ब्लश, उसके अंदर जो है वो ब्लश करने लग जाती है, उसकी आंखें जो है वो टिम्ड यानी कि बंद खोलना यानी टिम्ड पलक झपकना शुरू हो जाता है। एंड टू द लाइट, और वो स्काई की तरफ आसमान की तरफ देखने लग जाती है और वो एक जीवित हो जाती है। तो उससे जो है वो फिर उसकी शादी हो जाती है। अब कंक्लूजन देखते हैं। पिग्मेलियन एंड्स इन अनसर्टेनिटी, इट इज़ अ रियलिस्टिक कंक्लूजन फॉर द करेक्टर। द ऑडियंस इज अनश्योर वेदर एलिजा विल रिटर्न टू हर लाइफ विद हिगिंस और शी विल मैरी फ्रेडी। अब देखो क्या होता है कि ये जो प्ले था, ये जो जीवी शो है, इन्होंने बनाया था कि पिग्मेलियन से लेकर के, कि जैसे कि उसने अपने वर्क प्रोजेक्ट पे इतना प्यार दिया कि उसको उससे प्यार ही हो गया, इतनी मेहनत किया। तो लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे हिगिंस ने इतनी मेहनत की लेकिन उसको अपने प्रोजेक्ट से प्यार नहीं हुआ, उसको एलिजा से प्यार नहीं हुआ। सो ये जो इसका जो एंड हुआ वो इस तरीके से हुआ, अनसर्टेनिटी से हुआ, मतलब कुछ रियलिस्टिक कंटेंट नहीं रहा, ऑडियंस भी जो है वो श्योर नहीं है
कि वो वापस आएगी कि नहीं आएगी, क्या वो हिगिंस से शादी करेगी, हिगिंस की ज़िंदगी में आएगी कि नहीं आएगी, या फिर वो बोल रही है कि वो फ्रेडी से ही मैरी करेगी, तो क्या उसने फ्रेडी से मैरी किया कि नहीं किया। किसी भी चीज़ का जो है वो एक सर्टेनिटी नहीं मिली, अनसर्टेनिटी में है, ये श्योरिटी नहीं मिली। सो इसी के साथ ये जो प्ले है इसका एंड होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत मोटिवेट करता है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेशन में ज़रूर 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 बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे वहाँ पे जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की IDs का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके सीधा वहाँ जा करके मुझे मैसेज और टेलीग्राम पे PDF दोनों देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।